हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 के लिए फिजिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर विद्युत धारा, विभव एंड विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक सेल का पार्ट थर्ड लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने इसके दो पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिले सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, मैं उसका आंसर आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, जो हमारा रॉकेट होता है वो हमारा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में कुछ थ्योरी पार्ट हमारा बचा हुआ था, उसको हम पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा पहला टॉपिक यहाँ पे क्या दिया हुआ। पहला टॉपिक हमें दिया हुआ विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्रेंड्स, इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते थे हमारा विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है किसी आवेश या आवेशों के समूह के निकट उसके चार ओर का वह क्षेत्र जिसमें एक अन्य आवेश विद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, क्या कहलाता है फ्रेंड्स? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लिखी हुई है। उसके बाद क्या लिखा? उसके बाद लिखा इसे एक परीक्षण आवेश धनात्मक। फ्रेंड्स, आवेश क्या होगा हमारा? धनात्मक। इसे एक परीक्षण आवेश धनात्मक क्यू नॉट द्वारा अनुभव किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसके द्वारा? फ्रेंड्स, ये क्या लिखा हुआ? ये हमारा लिखा हुआ है क्यू नॉट। तो क्यू नॉट के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। उसके बाद क्या लिखा? उसके बाद लिखा कि परीक्षण आवेश विद्युत क्षेत्र में चलने की प्रवृत्ति रखता है। परीक्षण आवेश का मान इतना कम होना चाहिए कि इसके द्वारा उत्पन्न जो क्षेत्र हो वो क्या हो? नगण्य हो, यानी ना के बराबर हो। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या लिखा? उसके बाद लिखा हुआ है किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश के चलने की दिशा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होती है? अनुदिश होती है। यदि परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर विद्युत क्षेत्र ई द्वारा एफ बल लगे तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ अपॉन क्यू नॉट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा एफ अपॉन क्यू नॉट। तो फ्रेंड्स, ई हमारा क्या होगा? ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, एफ हमारा क्या हो गया? फोर्स हो गया, और क्यू नॉट हमारा क्या हो गया? क्यू नॉट हमारा हो गया परीक्षण आवेश। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपसे ये एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जा सकता है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा फ्रेंड्स? क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको इतना लिख के दे देगा, ये जो लाइन लिखी हुई है, यदि परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर विद्युत क्षेत्र ई द्वारा एफ बल लगे तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा और आपको चार ऑप्शन दे देगा फॉर्मूले के रूप में। फ्रेंड्स, अगर आप इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे तो आप बहुत इजी वे पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप जरूर याद कर लीजिएगा इसका फॉर्मूला क्या है, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या दिया फ्रेंड्स? यहाँ पे ई का मात्रक दिया। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मात्रक, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे मात्रक दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है ई का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलोंग या वोल्ट पर मीटर। तो फ्रेंड्स, आप ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको टिक करेंगे। अगर आपको ऑप्शन में न्यूटन पर कूलोंग दिया रहेगा तो आप इसको टिक करेंगे, अगर आपके ऑप्शन में वोल्ट मीटर दिया होगा, वोल्ट पर मीटर, तो आप इसको भी टिक कर देंगे। जो ऑप्शन में दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में टिक करना होगा। फ्रेंड्स, ये जो लास्ट में दो लाइन लिखी हुई यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला यदि परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर विद्युत क्षेत्र ई द्वारा एफ बल लगे तो विद्युत क्षेत्र का मान ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, और इसका मात्रक जो लिखा हुआ है ई का मात्रक न्यूटन पर कूलोंग या वोल्ट पर मीटर है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों लाइनों को आपको जरूर से जरूर याद कर लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स इसी से हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये हमारा था क्या, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो फ्रेंड्स, इससे हमारे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, बस अगर आपको फॉर्मूला याद कर लेना है और साथ ही साथ इसका मात्रक याद कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट टॉपिक हमें दिया है गोलीय आवेश यानी स्पेरिकल चार्ज। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं ये हमारा क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि संपूर्ण आवेश गोले की सतह पर रहता है। तो फ्रेंड्स, यही हमारी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ये क्या लिखा है? जो फ्रेंड्स हमारा संपूर्ण आवेश होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स? वो हमारे गोले की सतह पर रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो गोले के भीतर कोई आवेश नहीं होता। फ्रेंड्स, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो गोले के भीतर होता है फ्रेंड्स, उसके भीतर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद लिखा है कि गोले की बाहरी सतह एवं भीतर के प्रत्येक बिंदु पर विभव जो हमारा होता है वो समान होता है। ठीक है फ्रेंड्स, गोले की बाहरी सतह एवं भीतर के प्रत्येक बिंदु पर विभव जो हमारा होता है फ्रेंड्स, वो हमारा समान होता है।
इसलिए गोले के पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो फ्रेंड्स आप इसको अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्या लिखा, उसके बाद लिखा हुआ है यदि आर त्रिज्या के गोले पर क्यू आवेश है, आर त्रिज्या के गोले पर क्यू आवेश है तो सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी फ्रेंड्स? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी हो जाएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? हमारा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगी, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो फ्रेंड्स ये भी आपका फॉर्मूला, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछ ले कि यदि आर त्रिज्या के गोले पर क्यू आवेश है तो सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो फ्रेंड्स सीधे सीधे आपको ये फॉर्मूला लिख देना, क्या हो जाएगा हमारा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये आपको जरूर याद होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया तथा विभव इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन आर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स विभव बराबर हमारा क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन आर हो जाएगा। और फ्रेंड्स के हमारा है क्या फ्रेंड्स, ये हमारा कॉन्स्टेंट है यानी एक नियतांक है। जो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे के लिखा हुआ है ये क्या हमारा है, के हमारा नियतांक है, ठीक है। और क्यू हमारा आवेश हो जाएगा और आर स्क्वायर हमारी त्रिज्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कहाँ लिखा हुआ, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ कि यदि गोला खोखला हो, तो फ्रेंड्स यदि गोला खोखला हो तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि यदि गोला खोखला हो तो उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, और आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो अगर आपको याद रहेगा कि मान हमारा शून्य होता है तो आप फौरन इस पर टिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स इन लाइनों को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे लिखा कि यदि गोला खोखला हो तो इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। तो फ्रेंड्स ये लाइन आपको एकदम हेड टू हेड याद कर लेनी है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या लिखा, उसके बाद लिखा किंतु यदि गोला ठोस हो तो सिर्फ इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। किस पर? सेंटर पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। गोले के अंदर केंद्र को छोड़ अलग अलग त्रिज्याओं वाले वृत्त की परिधियों के बिंदुओं पर विद्युतीय विभव तथा विद्युत क्षेत्र के मान अलग अलग होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक से भी हमारे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है और कुछ लाइंस यहाँ पे मैंने आपको बताई है, इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए मैंने आपको थ्योरी पार्ट आज कवर अप करवा दिया, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप जो मैंने आज आपको टोटल टू टॉपिक बताए हुए, दो टॉपिक बताए हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बताई हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने क्या बताया, उसके बाद आपको गोली आवेश यानी स्फेरिकल चार्ज बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स आप इन दोनों को अच्छे से पढ़ लेंगे और मैंने आपको जितनी इंपॉर्टेंट लाइंस इनमें बताई हैं आप इसको जरूर याद कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम न्यूमेरिकल पर आ जाते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं अब। तो फ्रेंड्स पार्ट टू में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व किया था, आज हमें क्वेश्चन नंबर 17 से सॉल्व करना है। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं हमारा दिया क्या हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि किसी परिपथ में 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम आवेश प्रवाहित कराने पर सेल द्वारा कृत कार्य 6.4 जूल हो तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा। यानी हमसे क्या पूछा, सेल का EMF पूछा, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमसे पूछा है, EMF का मान पूछा है हमसे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ, सबसे पहले हमें क्या दिया, सबसे पहले हमें क्यू की वैल्यू दी हुई है, किसी परिपथ में 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम आवेश, आवेश मतलब क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, क्यू की वैल्यू हमें दी हुई है 3.2 × 10⁻¹⁹ दी हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या दिया हुआ है, कृत कार्य यानी वर्क डन हमें कितना दिया हुआ है, 6.4 जूल दिया हुआ, यानी डब्ल्यू की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 6.4 जूल दी हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको जब मैंने पार्ट वन में आपको थ्योरी बताई हुई थी, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। तो फ्रेंड्स फॉर्मूला हमारा क्या होता है, इज इक्वल टू हमारा होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्या होता है फ्रेंड्स, इज इक्वल टू हमारा होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो फ्रेंड्स डब्ल्यू हमारा क्या हो जाएगा, हमारा वर्क डन होता है ये हो जाएगा, और क्यू हमारा क्या हो जाएगा, क्यू हमारा हो जाएगा आवेश यानी चार्ज हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें वैल्यू क्या दी हुई है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्यू की वैल्यू को पुटअप, डब्ल्यू की वैल्यू को पुटअप करना है, डब्ल्यू की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, डब्ल्यू की वैल्यू हमें दी हुई है 6.4 जूल। तो मैंने 6.4 जूल यहाँ पे लिख दिया, और अपॉन क्यू, तो फ्रेंड्स क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, क्यू की वैल्यू हमें दी हुई है 3.2 × 10⁻¹⁹, मैंने इस वैल्यू को पुटअप कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे 6.4 लिखा हुआ है, नीचे 3.2 लिखा, तो पॉइंट से पॉइंट हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसको हम सीधे सीधे डिवाइड कर देंगे, 32 से 32 दुना 64 होता है, ऊपर बचा हमारा 2 बचा, और नीचे हमारा क्या बचा हुआ, नीचे बचा हुआ है 10⁻¹⁹ बचा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या बचा हुआ है, 10⁻¹⁹। अब हम जो हमारा 10⁻¹⁹ है इसको ऊपर भेज देंगे, ऊपर भेज देंगे, तो 2 × 10⁻¹⁹, नीचे माइनस में था ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻¹⁹ जूल पर कूलम, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 × 10⁻¹⁹ जूल पर कूलम। तो चलिए फ्रेंड्स ऑप्शन में चेक करते हैं क्या ये कहाँ दिया हुआ 2 × 10⁻¹⁹। तो फ्रेंड्स ये हमारा दिया हुआ है ऑप्शन ए में, तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यानी 2 × 10⁻¹⁹ जूल पर कूलम। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक चालक में 3.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, चालक से होकर एक मिनट में कितना आवेश गुजरेगा। क्या फ्रेंड्स पूछा कितना आवेश यानी क्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। फ्रेंड्स सबसे पहले हमें दिया क्या हुआ, सबसे पहले हमें दिया हुआ है यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि कितनी धारा है। फ्रेंड्स 3.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो आई की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, आई की वैल्यू हमें दी हुई है 3.5 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, पूछा है लास्ट में से क्या पूछा, एक मिनट में कितना आवेश गुजरेगा। तो फ्रेंड्स हमें टाइम कितना दिया हुआ, टी की वैल्यू कितनी दी हुई, टी की वैल्यू एक मिनट, एक मिनट में हमारे कितने सेकंड होते हैं, ये हमारे होते हैं 60 सेकंड यानी 60 सेकंड। तो टी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 60 सेकंड दी हुई है। फ्रेंड्स हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है क्यू की वैल्यू को, किसको यानी आवेश को हमें फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला बहुत ईजी होता, मैंने आपको बताया ही था। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है, हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है I is equal to Q upon T। लेकिन फिर से यहाँ पे हमें I की वैल्यू तो फाइंड आउट नहीं करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है Q की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। तो Q को हम ऊपर ले लेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करवा देंगे, तो क्यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, आई की वैल्यू हमें दी हुई है 3.5 और टी की वैल्यू 60 सेकंड दी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने सिंपली से इनका मल्टीप्लाई कर लिया, क्या कर लिया फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो 3.5 की मल्टीप्लाई 60 से करवाएंगे, सॉल्व करने पर हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्व करने पर हमारा आएगा 210 कूलम। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 210 कूलम। तो चलिए फ्रेंड्स ऑप्शन में चेक करते हैं कि 210 कूलम कहाँ दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये हमारा दिया हुआ है ऑप्शन बी में, तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यानी 210 कूलम यानी 210 कूलम ये आपका आवेश आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी आवेशित चालक तक लाने में 4.8 × 10⁻¹⁸ जूल कार्य करना पड़ता है, तो आवेशित चालक के विभव में वृद्धि होगी। फ्रेंड्स हमसे क्या पूछा, आवेशित चालक के विभव में कितनी वृद्धि होगी। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको इसके लिए विभव का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स विभव v बराबर हमारा क्या होता है, फ्रेंड्स ये भी हमारा होता है v बराबर w अपॉन q होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, विभव v बराबर हमारा क्या होता है, w अपॉन q होता है। तो फ्रेंड्स हमें W की वैल्यू यानी कार्य कितना करना पड़ रहा है। फ्रेंड्स सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमें W की वैल्यू कितनी दी हुई है, W की वैल्यू में कार्य कितना पड़ना पड़ा है, कार्य करना पड़ रहा है 4.8 × 10⁻¹⁸ जूल, ये हमें कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा कार्य हो गया। ठीक है, और आवेश, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बोला है, क्या बोला है, किसी एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन पर हमारा चार्ज क्या होता है, फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन पर हमारा चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹। तो फ्रेंड्स ये आपके अंदर कॉमन सेंस होनी चाहिए, आप जब आपको इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ही नहीं पता रहेगा तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स ये दिया नहीं हुआ है यहाँ पे आपको, ये आपको अपना सेंस यूज करना है कि कैसे हमें इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने चार्ज की वैल्यू क्या रख दी, क्यू की वैल्यू हमारी क्या गई 1.6 × 10⁻¹⁹ क्यों रखी फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। और फ्रेंड्स क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी आवेशित चालक तक लाने में इतना कार्य करना पड़ता है यानी 4.8 × 10⁻¹⁹ जूल कार्य करना पड़ता है, तो आवेशित चालक के विभव में वृद्धि होगी। फ्रेंड्स सिंपल सा फॉर्मूला विभव का हम यूज करेंगे, V इज इक्वल टू हमारा क्या होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू की वैल्यू हमें दी हुई 4.8 × 10⁻¹⁹ और Q, Q का वैल्यू हमारी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन पर हमारा चार्ज कितना होता है, ये होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, ये हमारा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, हमने इसको पुट अप कर दिया। फ्रेंड्स अब हमें कुछ नहीं करना है, ये पॉइंट से इस पॉइंट को हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, सो 16 × 16 होता है 16 होता है, 16 × 3 = 48 होता है, ऊपर हमारा क्या बचा, ऊपर हमारा बचा 3 × 10⁻¹⁸ बचा हुआ है, ऊपर क्या बचा 3 × 10⁻¹⁸ बचा हुआ है और नीचे हमारा क्या बचा हुआ है 10⁻¹⁹। लेकिन फिर जब हम इसको ऊपर भेजेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस में हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 10⁻¹⁹ हो जाएगा, ये हमारा प्लस में है। तो फ्रेंड्स 10⁻¹⁸ में से 10⁻¹⁹ घटाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और कितना आ जाएगा 3 × 10⁻¹⁹ आएगा, लेकिन प्लस का आएगा क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा प्लस वाला है ये बड़ा है और ये 18 − 18 हमारा छोटा है, तो हमारा आ क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, हमारा आ जाएगा 3 × 10⁻¹⁹ हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड 10⁻¹⁹ की वैल्यू हमारी 10 ही होती है, तो हमारा कितना हो जाएगा 3 × 10 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 3 × 10⁻¹⁰ में करेंगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 30 जूल पर कूलम यानी 30 जूल पर कूलम ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो
तो फ्रेंड्स अगर आप इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन विद इन आप 10 से 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा 30 जूल पर कूलम। तो चलिए फ्रेंड्स ऑप्शन में चेक करते हैं 30 जूल पर कूलम कहाँ दिया हुआ है। फ्रेंड्स ये हमें दिया हुआ है ऑप्शन डी में, तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी 30 जूल पर कूलम। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक तार में 2 मिली सेकेंड में 4 माइक्रो कूलम का आवेश गुजरता है तो धारा का औसत मान होगा। तो फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन फ्रेंड्स इसमें आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा, इसमें आपको थोड़ा कुछ कन्वर्ट करना होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्या दिया, सबसे पहले हमें दिया 400 माइक्रो कूलम। तो फ्रेंड्स 400 माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम दिया, माइक्रो कूलम को हम कूलम में चेंज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्यू बराबर क्या दिया हुआ, 400 माइक्रो कूलम। तो फ्रेंड्स इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कूलम में चेंज करेंगे। तो फ्रेंड्स 400 को 400 हो जाएगा गुड़े, तो इसको कूलम में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10^6 हो जाएगा। फ्रेंड्स एक माइक्रो कूलम बराबर कितना होता है, एक माइक्रो कूलम बराबर हमारा 10^-6 कूलम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सिंपल सी बात है, ये आपको पता होगा। फ्रेंड्स जहाँ कहीं भी आपको माइक्रो लिखा हुआ मिले, यहाँ पे पावर कितनी हो जाती है हमारी, 10^-6 हो जाती है। ये मैंने आपको मेजरमेंट में बताया हुआ था, मेजरमेंट मैंने आपको जब पढ़ाया था ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स ईजी वे पे हमारा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 400 × 10^-6, अब ये हमारा कूलम में आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, माइक्रो कूलम से हमने इसको कूलम में चेंज कर लिया। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ, टी बराबर 2 मिलीसेकंड दिया हुआ है, मिलीसेकंड को हमें सेकंड में चेंज करना है। फ्रेंड्स मिलीसेकंड को सेकंड में चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 10^-3 हो जाएगा ये सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, हमने इसका कन्वर्जन कर लिया, अब मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है। अब कन्वर्ट करने के बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है आई की वैल्यू, यानी औसत धारा हमें बतानी है। तो आई बराबर हमारा क्या होता है, तो फ्रेंड्स आई बराबर हमारा सिंपल सा फॉर्मूला यूज होता है, आई बराबर हमारा क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है। ये फॉर्मूला आप सबको याद होगा, आई बराबर हमारा होता है क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है। तो फ्रेंड्स क्यू की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 400 × 10^-6 दी हुई है, ये मैंने नोट डाउन कर दिया। और अपॉन टी की वैल्यू हमने क्या लिखी हुई है, टी की वैल्यू हमारी है 2 × 10^-3। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया। फ्रेंड्स अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 × 2 हो जाएगा, 2 × 2 = 4, ये हमारा क्या होगा, 200 × 10^-6 अपॉन 10^-3 नीचे लिखी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, 200 को ऐसे ही रहेंगे, 10^-6 हमारा ऐसे ही रहेगा, जो हमारा 10^-3 है जब इसको हम ऊपर भेजेंगे, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो फ्रेंड्स ये हमारा प्लस में हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 10^-3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 200 × 10^-6 × 10^3 हो जाएगा। फ्रेंड्स ये हमारा माइनस और ये हमारा प्लस, तो फ्रेंड 200 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, फिर गुड़े देख रहे हैं फ्रेंड 10^-6 दिया और 10^-3 दिया, ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और फ्रेंड्स हमारा ये क्या हो जाएगा, 10^-3 हो जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस का साइन हमारा बड़ा हुआ है, क्योंकि फ्रेंड 10^-6 है और यहाँ पे 3 ही लिखा हुआ है, तो फ्रेंड्स ये हमारा साइन बड़ा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 200 × 10^-3। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा हमारा, 200 × क्या आ गया फ्रेंड्स हमारा, 200 × 10^-3 हो गया। फ्रेंड्स 10^-3 दिया हुआ है। फ्रेंड्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, फ्रेंड्स 2 को हम 2 लिख सकते हैं, ये जब 2 पॉइंट को हम यहाँ पे आगे लेकर आएंगे, 2 पॉइंट लगाएंगे, कितने अंक आगे ला रहे हैं, 1 और 2 अंक आगे आ रहे, तो फ्रेंड्स पावर हमारी उतनी घट जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2 × 10^-1 हो जाएगा। फ्रेंड्स 2 और 10^-1 का मान क्या होता है, 10^-1 का मान हमारा होता है 0.1। तो फ्रेंड्स 2 की मल्टीप्लाई हम 0.1 में कराएंगे, कितना आ जाएगा, 0.2 एम्पियर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.2 एम्पियर। तो फ्रेंड्स थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना होगा। फ्रेंड्स बिना प्रैक्टिस के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 0.2 एम्पियर। चलिए फ्रेंड्स ऑप्शन में चेक करते हैं कि 0.2 एम्पियर हमें कहाँ दिया हुआ है, ये फ्रेंड्स दिया हुआ है हमें ऑप्शन बी में, तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी 0.2 एम्पियर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि किसी परिपथ में 4.8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यदि एक प्रोटॉन पर आवेश 1.6 × 10^-19 कूलम हो तो परिपथ के अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रति मिनट गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, हमसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा हुआ है। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं किया क्या हुआ, दिया हुआ है हमें आई की वैल्यू 4.8 एम्पियर, धारा की वैल्यू दी हुई है, आई इज इक्वल टू हमारा कितना दिया हुआ, 4.8 एम्पियर दिया हुआ है। टी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, लास्ट में आप देख सकते हैं प्रति मिनट गुजरने वाले, तो फ्रेंड्स प्रति मिनट मतलब हमारा होगा 1 मिनट, तो टी बराबर हमें 1 मिनट दिया हुआ है, इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे, 60 सेकंड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें क्यू की वैल्यू दी हुई है, क्यू की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 1.6 × 10^-19, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, यानी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड आउट करना है, यानी हमें एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है फ्रेंड्स,
चलिए फ्रेंड्स, फॉर्मूला बेसिक सा फॉर्मूला पहले सबसे पहले हम बेसिक फॉर्मूला देखेंगे हमारा क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, क्यू अपॉन टी होता है। और फ्रेंड्स क्यू बराबर हमारा क्या होता है, क्यू बराबर हमारा होता है एन ई, एन ई होता है। फ्रेंड्स यहाँ मैंने इसको पुट कर दिया, आई तो हमारा वैसे ही रहेगा, आई बराबर हो गया, क्यू की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, क्यू बराबर एन ई होता है, एन ई मैंने यहाँ पे लिख दिया और अपॉन टी हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना कि आई की, तो फ्रेंड्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में फाइंड आउट करने हैं, तो एन हमारा आ जाएगा आगे, यानी एन बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा हमारा आई टी अपॉन ई हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, आई की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है 4.8 एम्पियर, ये मैंने यहाँ पे पुट अप कर दी, आई की वैल्यू को हमने क्या लिख दिया 4.8 एम्पियर। और टी, टी मतलब टाइम हमें कितना दिया होता है, टाइम हमें एक मिनट बराबर 60 सेकंड दिया हुआ है, ये मैंने यहाँ पे पुट अप कर दिया, टाइम को मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 4.8 इंटू 16 हो गया, अपॉन ई हो गया। तो फ्रेंड्स कितना दिया हुआ है हमें, चार्ज कितना दिया, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 दिया हुआ, ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है, ई की वैल्यू हमारी हो जाएगी फ्रेंड्स, ये हमारी ई की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है फ्रेंड्स। पॉइंट से पॉइंट ये जो हमारा कैंसिल हो जाएगा, 16 3 48 होता है, ठीक है फ्रेंड्स, 16 3 48 होता है। जब इसको 60 की मल्टीप्लाई 3 में करवाएंगे कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 180 आ जाएगा, 180 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, 180 हो गया। और नीचे हमारा क्या बचा है, अपॉन 10 रेज टू द पावर -19 बचा हुआ, ये हमारा नीचे बचा हुआ है फ्रेंड्स, 180 ऐसे ही रहेगा हमारा। जब इसको 10 रेज टू द पावर -19 को ऊपर भेजेंगे तो हमारा प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 रेज टू द पावर 19 हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हमारा हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 19 हो जाएगा फ्रेंड्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1.8 लिख सकते हैं ना फ्रेंड्स। तो मैंने पॉइंट कितने अंक आगे ले गए, एक इधर से ले गए, एक इधर, यानी दो अंक ले गए, तो उतनी पावर हमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे प्लस में है तो पावर हमारी बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या हो जाएगा, 1.8 इंटू 10 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा, 21 यानी 21 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.8 इंटू 10 रेज टू द पावर 21। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि एन इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, आई टी अपॉन ई होता है। और फ्रेंड्स ई हमारा क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जो हमारा चार्ज दिया हुआ था फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है, क्यू तो चार्ज है हमारा, ठीक है, तो अच्छी बात है, क्यू तो हमारा 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम, ये चार्ज है। लेकिन फ्रेंड्स ये किसका चार्ज है फ्रेंड्स, ये हमारा प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोटॉन दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसकी वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे ई में, फॉर्मूले में हमारा नीचे ई दिया हुआ था फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं ई दिया हुआ है, यहाँ पे हम क्यू नहीं लिख सकते हैं, क्यू तो हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, तो फ्रेंड्स क्यू बराबर हमने एन ई लिख दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ई की वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया और सॉल्व करने पर हमारा क्या गया, सॉल्व करने पर आ गया 1.8 इंटू 10 रेज टू द पावर 21 यानी 21। तो चलिए फ्रेंड्स ऑप्शन में चेक करते हैं, 1.8 इंटू 10 रेज टू द पावर 21 कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑप्शन डी में। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ईजी वे पर सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एंट्रेंस एग्जाम 2013 में पूछा भी गया है। यहाँ पे पूछा कि आवेश प्रवाह का दर क्या होता है फ्रेंड्स, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आवेश प्रवाह का दर क्या होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए दिया हुआ है कार्य होता है, ऑप्शन बी दिया हुआ है ऊर्जा होता है, ऑप्शन सी दिया हुआ है धारा होता है, ऑप्शन डी दिया हुआ है विभव होता है। तो फ्रेंड्स आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं, यानी इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या करेक्ट हो जाएगा इसमें हमारा, इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी धारा कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे पूछा है कि बंद की को प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड्स, जब आपने, जब आप हाई स्कूल में रहे होंगे आपको ये चैप्टर पढ़ाया गया होगा इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो ये जरूर आपको बताया होगा कि बंद की को कैसे प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड्स। बंद की को कैसे प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा होता है, इस साइन से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, यानी इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी ये वाला साइन, ठीक है फ्रेंड्स। बंद की को हम ऐसे ही प्रदर्शित करते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स ये हमारा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे हमसे पूछा है कि डेनियल सेल में इलेक्ट्रोड बना होता है। क्या पूछा फ्रेंड्स, हमसे पूछा है कि डेनियल सेल में इलेक्ट्रोड बना होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ लोहे का, ऑप्शन बी दिया हुआ जस्ते का, ऑप्शन सी दिया हुआ एल्यूमिनियम का और ऑप्शन डी दिया हुआ सिल्वर का। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जस्ते का। फ्रेंड्स जो हमारा डेनियल सेल में इलेक्ट्रोड बना होता है वो किसका बना होता है फ्रेंड्स, ये हमारा बना होता है जस्ते का। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे पूछा कि यदि किसी गोले के बाहरी सतह पर +1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम आवेश है तो गोले की आंतरिक सतह पर आवेश होगा। तो फ्रेंड्स अभी अभी मैंने आपको टॉपिक बता दिया हुआ है स्फेरिकल चार्ज वाला, इसी से ये हमारा
सॉल्व होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, पूछा कि यदि किसी गोले के बाहरी सतह पर प्लस 1.6 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 19 कूलम आवेश है तो गोले की आंतरिक सतह पर आवेश होगा। तो फ्रेंड्स क्या होगा, फ्रेंड्स ये हमारा होगा शून्य होगा। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गोले की सतह पर हमारा क्या आवेश होगा फ्रेंड्स, ये हमारा शून्य होगा। क्योंकि फ्रेंड्स संपूर्ण आवेश गोले की बाहरी सतह पर ही होता है, ठीक है, गोले के अंदर आवेश क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा शून्य होता है। फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया था कि संपूर्ण आवेश गोले की बाहरी सतह पर ही होता है, गोले के अंदर आवेश हमारा जो होता है वो हमारा शून्य होता है। फ्रेंड्स अगर आपको ये टॉपिक, ये लाइन आपको पता है तो आप विद इन 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन क्या दिया, लास्ट क्वेश्चन दिया कि किसी गोलीय आवेश की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। क्या पूछा फ्रेंड्स, किसी गोलीय आवेश की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी गोलीय आवेश की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होती है, गोलीय आवेश की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में मैंने आपको टोटल 26 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं, जिसमें से फ्रेंड्स मैंने आपको 15 से 16 न्यूमेरिकल भी बताए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स चैप्टर का क्वेश्चन तो हमारा खत्म हो गया, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, इससे भी हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा महत्वपूर्ण तथ्य होता है फ्रेंड्स, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इससे भी हमारे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं इस चैप्टर के। फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्या लिखा हुआ, सबसे पहले हमारा लिखा हुआ है, सबसे पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है कि विद्युत धारा का प्रवाह विभवांतर के कारण होता है। किसके कारण होता है फ्रेंड्स, ये आपसे पूछ सकता है कि विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। तो फ्रेंड्स विद्युत धारा का प्रवाह हमारा होता है विभवांतर के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है कि विद्युत धारा का प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद्युत धारा का प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तथा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। तो फ्रेंड्स ये लाइन को आपको याद कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद हमारा दिया हुआ है कि विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या दिया हुआ, उसके बाद हमारा दिया हुआ है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो फ्रेंड्स ये आपको याद कर लेना कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं अथवा स्पर्श नहीं करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्पर्श भी नहीं करती हैं। उसके बाद हमारा क्या दिया हुआ, उसके बाद हमारा दिया हुआ है कि विद्युत धारा में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं तथापि यह एक अदिश राशि है। ठीक है फ्रेंड्स, विद्युत धारा में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं लेकिन फ्रेंड्स फिर भी यह एक क्या है, फिर भी ये हमारी क्या है, ये एक अदिश राशि है। तो फ्रेंड्स ये आपसे जरूर पूछ लिया जाएगा, अगर आपसे पूछ ले कि विद्युत धारा कैसी राशि है फ्रेंड्स, तो विद्युत धारा हमारी क्या होती है फ्रेंड्स, ये हमारी अदिश राशि होती है। फ्रेंड्स ये आपको याद कर लेना, ये हमारी कैसी राशि होती है, ये हमारी अदिश राशि होती है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया कि किसी बिंदु पर अनेक आवेशों के द्वारा विभव उस बिंदु पर अलग अलग समस्त आवेशों के द्वारा प्रेषित विभवों के योग के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और सबसे लास्ट में हमारा क्या था, सबसे लास्ट में हमारा दिया हुआ है कि किसी बिंदु पर अनेक आवेशों के द्वारा उत्पन्न क्षेत्र उस बिंदु पर अलग अलग समस्त आवेशों द्वारा प्रेषित विद्युत क्षेत्रों के सदिश के योग के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सेलों से हम दिष्ट धारा प्राप्त करते हैं। फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेलों से हम दिष्ट धारा प्राप्त करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि फ्रेंड्स इससे हमारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमारा चैप्टर विद्युत धारा विभव एंड विद्युत सेल यानी इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक सेल कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन को समझाने की कोशिश फिर से करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर कोई क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में ये चैप्टर हमारा कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।